नई अनाज मंडी में दिन दहाड़े हुई लूट के मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। मंडी में व्यापारी को बंधक बनाकर डकैती डालने के मामले में सीआईए ने गुत्थी सुलझाते हुए एक महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि पुलिस डकैती के दौरान लूटे गए 13 लाख रुपयों में से केवल 1,62,000 रुपए बरामद कर पाई। पुलिस लूट के तार उत्तर प्रदेश के रोहित लंगड़ा गैंग से जोड़कर भी देख रही है। इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि मुख्य 4 आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही हैं। 24/7/2019 को एक लूट की वारदात हुई थी, जिसमें 13 लाख रुपए जो एक व्यापारी थे उनसे कुछ बदमाशों ने, 5 बदमाशों ने लूटे थे। उस वारदात में हमने आज चार जो क्रिमिनल्स थे या उनके कॉन्स्पिरेटर्स थे, हेल्पर्स थे, उनको हमने गिरफ्तार किया है। हमने इसमें रिकवरी की है लगभग 1,68,000 के आसपास रिकवरी हुई है। 1,02,000 रुपये जो हैं वो रोहित लंगड़ा, ये राकेश जो है हिसार से, हिसार के पास गांव है श्यामसुख, उससे हुई है 1,02,000 की रिकवरी। उसके अलावा अमर बहादुर की मदर से 50,000 की रिकवरी हुई है। 12,000 की रिकवरी रोहित लंगड़े से हुई है। आपको बता दें, नई अनाज मंडी में दिन दहाड़े बुधवार को 5 हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी की दुकान से 13 लाख रुपए लूट लिए। सभी आरोपी कार में सवार होकर आए थे। उनमें से एक आरोपी कार में ही बैठा रहा, जबकि 4 दुकान में घुस गए हथियारों की नोक पर बदमाशों ने। व्यापारियों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की। इसके बाद तिजोरी से 13 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। इस पूरी वारदात को 5 लोगों ने अंजाम दिया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गया। इस वारदात को लेकर सिरसा पुलिस की काफी किरकिरी भी हुई। R9 TV के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट।